हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीए यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर के बारे में। पेशाब की थैली का कैंसर है क्या? पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारे दोनों गुर्दों से पेशाब इकट्ठा होता है, इसमें यदि कोई कैंसर होता है तो उसके कुछ खास लक्षण होते हैं जो कि आम कैंसर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली ये कैंसर वैसे तो 60-65 साल की उम्र का है, लेकिन आजकल हम देखने में आ रहा है कि बहुत ही यंग जनरेशन में 35-35 साल तक के बच्चों में भी ये कैंसर होने लग पड़ा है। तो इसके कुछ खास कारण जैसे कि धूम्रपान करना, टोबैको यूज़, सिगरेट स्मोकिंग्स जिसमें तंबाकू पाया जाता है, या तंबाकू हम वैसे भी मुंह में खाने के लिए जब यूज़ करते हैं तो तंबाकू किसी भी रूप में अपने को ब्लैडर कैंसर कर सकता है। तो आज की जनरेशन में ये चीज़ें बढ़ रही हैं जिसके कारण ये काफ़ी स्टेजेस में ये पाया जाने लग पड़ा है। इसके अलावा कोई डाई इंडस्ट्रीज़ में काम करता हो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, या किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ यानी बहुत देर से कोई डिजीज़ चल रही हैं, स्टोन डिजीज़ हैं जिसके कारण ये बार बार इरिटेशन के कारण ये कैंसर के रूप में बॉडी में पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, लक्षण यानी सिम्टम्स, जिससे आपको पता लग सके कि हमारे बॉडी के अंदर ये कैंसर हो सकता है। जैसे कि पेशाब के अंदर खून आना, जब भी पेशाब के अंदर खून आए तो हमें कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये खून हो सकता है हमारे पेशाब की थैली से आ रहा हो, प्रोस्टेट से आ रहा हो, या फिर गुर्दों से आ रहा हो, तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। और यदि इसके अंदर कोई कैंसर के सेल हैं तो हमें उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके अलावा वजन कम होना, भार कम हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि आपके कपड़े जो हैं वो खुले हो रहे हैं, और आपको भूख भी कम लग रही है, या फिर आपको बीच में फीवर भी रह रहा है, ये कुछ लक्षण होंगे कैंसर ब्लैडर के। अब हमने डायग्नोसिस कराना है कि कैसे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचें कि हमें ये कैंसर है। इसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी राय के ऊपर आपको विशेष इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, जिसमें कि बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, इसके अलावा कोई सीटी स्कैन या एमआरआई, और फर्दर कोई यूरिन के टेस्ट होते हैं, साइटोलॉजीज होती हैं, जिससे हम धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पेशाब की थैली में कोई मांस या कोई गिल्टी है और वो देखने में खतरनाक है कि नहीं है। यदि ऐसी किसी इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि हमारी पेशाब की थैली में कोई गिल्टी है दिखाई दे रही है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसकी दूरबीन से जाँच करानी चाहिए, जिसे कि हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं, और उस सिस्टोस्कोपी के हिसाब से फिर हम छोटी सी बायोप्सी लेते हैं, जिससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारे ब्लैडर के अंदर जो रसौली है वो कैंसर की है या नॉर्मल है। यदि उसके अंदर कैंसर के कण पाए जाते हैं तो हम अपनी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को इससे कोरिलेट करके कंफर्म करते हैं कि हमारी स्टेज क्या है, और उस स्टेज के हिसाब से हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। यदि तो वो शुरुआती दौर की स्टेज वन की कैंसर है तो हम इसको दूरबीन से ही ठीक कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में कुछ खास दवाइयाँ भी आती हैं जो हम पेशाब की थैली में डाल के इस कैंसर को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहना चाहिए। यदि ये कैंसर आगे बढ़ा हुआ है, स्टेज टू है, या पेशाब की थैली से बाहर निकल रहा है, तो हमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की भी राय लेनी चाहिए, और उनकी राय के हिसाब से हमें हो सकता है कि कुछ कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सके या रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ सके। साथ ही साथ यदि ये कैंसर आगे बढ़ चुका हो तो हमें बड़ा ऑपरेशन यानी कि रेडिकल सिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ऑपरेशन के बाद हमें रेगुलर अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहना चाहिए, कुछ महीनों के इंटरवल पे हम डॉक्टर की सलाह लेते रहें, और यदि कोई कण दोबारा से उसके अंदर पेशाब की थैली में या हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं तो उसकी रोकथाम करते रहना चाहिए। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, बशर्ते कि हम इसको सही टाइम पर पकड़ सकें, और यदि हम इसको सही टाइम पे इसका इलाज कर पाएंगे तो हम इस बीमारी से 100 पैसे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलें, रेगुलर सलाह लें, और इस कैंसर को जल्द से जल्द पकड़कर अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। थैंक यू।